अगर आपको कोई नीचे खींचने के लिए बार बार कोशिश कर रहा है तो आप डरो मत, आप सोचो मत। आपको सिर्फ इतने ध्यान रहना चाहिए कि ये लोग मुझे नीचे क्यों खींचना चाहता है। आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि मैं इनसे ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं इसलिए तो ये मुझे नीचे खींच रहा है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये नीचे है और इससे ऊपर मैं हूं, जिसके वजह से ये हमें नीचे खींचना चाहता है। और कई कोई बलवान हेल्पफुल लोग अगर आपके साथ लड़ाई करने के लिए आता है तो आप उसे डरो मत। आप अपने हिम्मत को नहीं खोना चाहिए। आपको सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई बलवान आदमी मेरे साथ फाइट करने आता है, लड़ाई करने आता है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप भी एक बलवान और होशियार इंसान है, इसीलिए तो वो बलवान आदमी आपके साथ लड़ाई करने के लिए आता है। क्योंकि एक बलवान आदमी कोई निर्बल के साथ कभी भी लड़ाई करने के लिए नहीं जाएगा। वो जब भी जाएगा तो वो भी उससे बड़ा ताकतवर के साथ ही वो लड़ाई करने के लिए सोचेगा। यही है, क्योंकि शेर हमेशा एक शेर के साथ ही लड़ाई करता है। अगर कोई बुद्धिमान लोग आपके साथ डिस्कस करने के लिए आता है तो आपको डरना नहीं चाहिए। आपको यही सोचना चाहिए कि ये अगर बुद्धिमान आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक होशियार, एक चालाक आदमी, एक ज्ञानी आदमी अगर मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप भी एक उससे भी बेहतर होशियार आदमी और नॉलेजेबल आदमी है, इसीलिए तो वो आपके साथ डिस्कस या बातचीत करने के लिए आ रहा है या कुछ डोबट करने के लिए आ रहा है। तो आज का बात ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने हिम्मत को, आप अपने नॉलेज को कभी भी कमजोर नहीं समझने का, क्योंकि हर कोई कमजोरी के पास भी एक हिम्मत वाला दिमाग रहता है।